हेलो एवरीवन, सारे भाइयों ने राम राम, बड़े बुढ़े ने राम राम, और बिहार में कहते हैं प्रणाम। तो दोस्तों, मैं अभी सिंहेश्वर के रोड पे हूँ। ये मैं पेटीएम करवाने आया था यहाँ पे KYC। तो यहाँ पे मैं आया था तो 12-1 बजे ऑफिस खोलता है, और ये देख रहे हो कूड़े का ढेर, एक कूड़े का ढेर देख रहे हो। यहाँ पे मैंने कल एक लेडीज़ को देखा था। उस लेडीज ने मतलब नीचे तो पहना हुआ था और ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था, मुझे बहुत अजीब लगा। तो मैंने उसको, मेरे अंदर ये मतलब मेरे से छोटी सी गलती हुई, मैंने उसको बोला नहीं। तो मैं उसके लिए एक ऊपर का टॉप कह लीजिए वो लेने गया था, जो मुझे समझ में आया, जो मैं जुगाड़ कर सका तो ले तो आया हूँ। लेकिन उसको मैं कल 2 बार देखने आया, वो नहीं मिली, अब चली जाती है कहीं खाने पीने। तो उसका मतलब परमानेंट मुझे मिल गया है ये, उसका ये जो देख रहे हो ये उसका परमानेंट जो है ये शेल्टर है। अब ये परमानेंट शेल्टर है, अब देखते हैं कब मुलाकात होती है। लेकिन ये सेब वाले भैया हैं यहाँ पे, इन भाई से पूछा कि वो यहाँ पे परमानेंट रहती है। तो चलिए एक बार सेब वाले भैया से बात करते हैं, क्या है कैसे है। तो ये सेब वाले भैया हैं, तो आप इनको कब से जानते हैं? हैं बैठती है, कब से देखते हो आप इसको? साल भर से। मतलब ये यहीं की लोकल है या बाहर से है? बाहर की, बंगाल की है। ठीक है, तो बाकी तो उनसे ही पता चलेगा। दिमाग स्थिति ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। या किसी मतलब या कोई छोड़ के चला गया है, या अपने मतलब कहीं से आके भटकते हुए आई है। तो दोस्तों, भटकते हुए आई है, देखते हैं अब उसको हम ढूंढते हैं कहाँ पे है नहीं है। अब हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। अरे पागल इंसान थोड़ी ना है भाई, उसको डिस्टर्ब करके जो तो पक्का है। कल भी यहाँ तो उसकी माँ आई तो होटल में, हम बोले पहले इसको खाना खिलाइए, बस खाना खाएगा मुझे शाम को, भूखे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके। तो दोस्तों चलते हैं। तो फाइनली जिसको हम ढूंढ रहे थे मिल गई है, अभी पता करते हैं क्या है, कहाँ से है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और क्या हम समस्या को हल कर सकते हैं। तो कल से मैं ढूंढ रहा था, 3 बार मैं आया इनके पास तो मुझे नहीं मिली। तो फाइनली अब मिल चुकी है, हमने ढूंढा, मैं और मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त गुरुजी। तो एक छोटी सी पहल करने जा रहे हैं हम शुरू, मेरी मदद कीजिए। तो आप देख रहे हो ना, तो इस लेडीज के पास रहने के लिए घर है, ना कपड़े हैं, ना खाने के लिए खाना है, मांग के गुजारा चलता है और अपना दिन। यहाँ की जो आसपास की मैं दिखा दूँ, ये जितना भी एरिया है, ये थोड़ा बैंक तक, ये अपने हाथों से सफाई करती है। और यहाँ पे पब्लिक जो है इसको 5 साल से इधर ही है, 5 साल से यहीं पे है। तो ये जो इसको पूरा साफ करके दुकानदार इसको कुछ नहीं कहते हैं, और ये अपना टाइम पास कर लेती है। अब हम पूछेंगे कि रीज़न क्या है यहाँ पे रहने का, क्या पर्पस है, और मतलब किस वजह से इतनी प्रॉब्लम है। खाने का दिक्कत नहीं, कोई चीज़ का दिक्कत इसको नहीं है, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। कमकिया होटल है, वहाँ जब जाता है इसको खाना मिलता है जी। लॉकडाउन था उसमें भी इसको सब रोज खाना मिला, तीनों टाइम खाना मिलता। मतलब आपको कुछ पता है कहाँ से है इसका आवाज़? से लगता है कलकत्ता से है। इसका कभी कभी ये बोलता है, कलकत्ता में गाली भी देता है जी, बंगाली। तो मतलब आपको ये पता नहीं है कि यहाँ पे कैसे आई है? नहीं, ये पता नहीं, लेकिन जिस टाइम आया था ये, और जिस कपड़ा में ये था, वो कपड़ा यहाँ बड़े बड़े घर में नहीं था। पर धीरे धीरे पता नहीं इसके दिमाग में क्या हुआ नहीं हुआ, सारा कपड़ा इसका
आइए इनकी कहानी सुने, इनकी जवानी नहीं बोलता जुवानी। कहाँ से आप? टी शर्ट। कहाँ से आया? टी शर्ट पहन दीजिए, टैग वगैरह सब खोल लीजिए। लीजिए पानी लीजिए, पानी है इसको। ये इन्होंने कपड़े नहीं पहना हुआ, तो एक मिनट के लिए मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। हाथ घुसा दो बॉस, पहले हाथ घुसा दो, हाथ घुसा दो। ये फाड़ दे। हिंदी आती है आपको? हिंदी आती है? हिंदी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम? नाम नाम क्या नाम है आपका? नाम पता है आपको अपना? कुछ याद कीजिए, कुछ नाम याद है आपको अपना? नाम याद है? नाम क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सही लग रही। क्या नाम है आपका? वो वक्त आई थी 5 साल हुआ, जिस वक्त आई थी इसके साड़ी में, कोई बड़ा घर का है, कोई बड़े घर की है। हाँ, इसके साड़ी में पूरा मोती जरा हुआ था 5 साल पहले, और जेवर ऊपर बहुत कुछ था इसके पास। फिर इसके साथ पता न पूर्ण घटनाक्रम हुआ कि इसका जो है कि 5-6 दिन सुतले रह गए, इसको कोई नशा वशा खिला करके इसका सारा जेवर कपड़ा उपड़ा लेके कोई डाल। 5 साल हो गया, 5 साल हो गया इसी से। मतलब यहाँ पे 1 साल महावीर चौक पे रही, 3 साल ही धर्मशाला में रही, दलित धर्मशाला। 7-8 साल हो गए इसको। इसके बाद हम लोग मतलब साल 2 साल से देख रहे हैं, जैसा कि मतलब हुआ इसके साथ ही। मतलब इसका साड़ी होगा तो मिनिमम 5,000 रुपये का। हिंदी आती है इनको? हिंदी नहीं, बंगला। बंगला में बात कीजिएगा, बात करें। बंगला बोलने किसको आता है? बाड़ी कितो है? बाड़ी 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 कमर बाड़ी कमर बाड़ी कितो है? बाड़ी 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 बाड़ी। घर कहाँ है आपका? बाड़ी घर घर कहाँ कहाँ पे? बंगाल 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 कहाँ पे? बंगाल में कहाँ पे नहीं बोलो। जब लगा हुआ है हम लोग छोड़ के भी चले जाएंगे, तो ये नहीं की सामान को उठा के खा लिया, ऐसा नहीं। किसी से कोई जोर जबरदस्ती कोई चीज नहीं लेता है, कोई देता है तब भी लेता है। पीछे वीडियो में देखा कि ये जो लेडीज है, ये मिसिंग पर्सन है अपने घर से, 7-8 साल से ज़्यादा हो गए। मतलब प्रॉपर वे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो देखता है कोई 1 साल बताता है, कोई 2 साल बताता है। तो मेरा संदेश ये है कि जब ये लेडीज़, मैंने इससे बात की, ये घर जाना चाहती है, बेटा का नाम भोला बताया है, दूसरे बेटा का नाम नहीं बताया, तो खैर
इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि इसके घर वालों तक ये वीडियो पहुंच जाए और इसकी जो मतलब इसके जो हैं इसको अपने लोग मिले, उचित व्यवस्था मिले, सब कुछ मिले और इसको जो एक ज़िंदगी का सुख मिले। एक घर क्या चीज़ होती है मुझे अच्छे तरीके से मालूम है और आप सबको भी मालूम होगा कि घर एक आदमी के लिए क्या चीज़ होता है। अगर वो 7-8 साल से बाहर है, रोड पे बसने के लिए मजबूर है, मेंटली डिस्टर्ब है, शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम है, इचिंग टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स है, शरीर पे कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तो आप समझ सकते हो। मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, इंसानियत सबके अंदर है, कोई समझता है कोई नहीं समझता है, कोई धूर्त आदमी होता है, धूर्त मीन्स आप समझ ही रहे हो, मैं कुछ इस पर ज़्यादा कहूँगा नहीं। आप लोग हमारी डायरेक्ट मदद कर सकते हैं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमारी डायरेक्ट मदद कर सकते हैं अगर इच्छा है तो, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आपसे कोई 5 लाख मांग नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इस लेडीज़ को आगे इसके घर पहुँचाने के लिए इसकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत परेशान है एक इंसानियत के नाते। अगर मुझे आपसे मदद नहीं मिलेगी तो मैं खुद इसको जैसे भी होगा इसके घर पहुंचाऊंगा और पहुंचा के रहूंगा, वीडियो बनती रहेगी, काम चलता रहेगा, आप सब देखते रहेंगे, नहीं देखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे मन में है कि मैं ऐसे काम करूं, लोग मुझे देखें और कुछ सीखें, क्योंकि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, एक इंसानियत कमाना बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि इस कलयुग में आप सब देख ही रहे हो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सिर्फ मैं आपसे यही संदेश देना चाहता कि वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इसके घर वालों तक ये वीडियो पहुंच जाए और इसको अपना हक मिले। बहुत जय हिंद।